हेलो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 भारत के लिए बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में आज़ाद भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था, उसको नीरज कुमार ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने देश को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले देश को गोल्ड मेडल दिया। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम देश के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी शॉर्ट में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हरेंद्र सिंह और मिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस पानीपत जिले में हुआ है जो अपनी तीन लड़ाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ के एक छोटे से गांव खांद्रा में किसान के घर पर 24 दिसंबर सन 1997 को नीरज का जन्म हुआ। एथलीट नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है, जो किसानी का काम करते हैं, जबकि उनकी माता का नाम सरोज देवी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। नीरज चोपड़ा के कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें से नीरज सबसे बड़े हैं। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपने बीबीए की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। नीरज अपने बचपन में काफी मोटे थे, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी काफी परेशान थे, इसलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र में दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा, तो वो भी मैदान में उतर गए। वहां से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया, वह अब ओलंपिक गोल्ड पर जाकर लगा है। पढ़ाई के साथ वे जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने सन 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपूताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नायाब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण सीधे ऑफिसर बना दिया गया। तो अब जान लेते हैं नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड्स के बारे में। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। इसी साल मार्च में पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टोक्यो ओलंपिक के साथ नीरज अब तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, साथ ही उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भले ही छोटी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वसुधैव कुटुंबकम।